चामराजपेट हलके में शमशान और कब्रिस्तान दोनों की जदीदकारी अमल में आई है। आज शमशान में बीबीएमपी के कमिश्नर और इलाके के एमएलए बीजेड जमीर अहमद खान ने शमशान की जदीदकारी का इफ्तिताह किया। साथ ही कब्रिस्तान में बीजेड जमीर अहमद खान ने इफ्तिताह किया। इस इलाके का, इस जगह का आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जदीदकारी हुई है, ये नई बिल्डिंग बनाई गई है, यहाँ पे वजू का इंतज़ाम है और साथ ही जो जनाजे आते हैं उन्हें नमाज पढ़ने का पूरा इंतज़ाम और आने वाले लोगों को बैठने का इंतज़ाम किया गया है। क्योंकि अभी कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा अमवात हो रहे हैं, इस वजह से इस कब्रिस्तान की जदीदकारी का भी मुतालबा हो रहा था। बीजेड जमीर अहमद खान चूँकि यहाँ के इलाके के एमएलए हैं, उन्होंने इस इलाके को जो है डेवलप किया। साथ ही उनके जो मुकामी कॉरपोरेटर हैं अल्ताफ भी जो है उनके साथ में इस वक्त मौजूद थे और ये जो जदीदकारी यहाँ पे हुई है इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो सकता है। चूँकि बारिश की वजह से जो जनाजे को लेकर लोग आते हैं उन्हें काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता था, इस वजह से जो है ये जदीदकारी अमल में आई थी। काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद जो है यहाँ पे ये खूबसूरत सा माहौल बनाया गया है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से लोग जो है यहाँ वेटिंग में बैठ सकते हैं और जितने भी लोग आए हैं उन्हें जो है बैठने का यहाँ इंतज़ाम है। बारिश और धूप की वजह से जो है जो लोग आते थे उन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। तो बीजेड जमीर अहमद खान और उनके रुकायकारों ने आज इसका इफ्तिताह किया। उलमा इस वक्त यहाँ पे मौजूद रहे। हमारे हलके के अंदर एक इलेक्ट्रिक बर्निंग, वो जो बहुत दिनों से आदमी की एक अरमान थी कि इधर कुछ भी एक इंतकाल होता है तो उसको विल्सन गार्डन या दूसरी जगह लेके जाना पड़ता था। अभी बहुत दिनों से एक पब्लिक का डिमांड था इधर एक इलेक्ट्रिक बर्निंग यार्ड कर रखे दो घर के। आज 2 करोड़ की वेच में आज जो बीबीएमपी कमिश्नर हमने इनाग्रेशन किया, इसका खाली मेरे हलके के अंदर सहूलत आगे नहीं होगी। ये सराउंडिंग विजयनगर, गोविंदराजनगर, बसनगुड़ी, हर एक को आवाम को इधर सहूलत आगे होगी। उसके साथ साथ में ये कोविड पेशेंट को बहुत सहूलत हो गई। अभी क्या हो गया, अभी जब से कोविड पेशेंट के कोविड-19 के अंदर जो भी मरता था उसका पूरा इंतजाम हम लोग कराते थे, हमारी टीम के थ्रू हम लोग कराते थे। अभी वो क्या होता था, हमारा विल्सन गार्डन नज़दीक में था, अगर विल्सन गार्डन जाएंगे तो 2-3 घंटा इंतज़ार करना पड़ता। ये होने से क्या हो गया, थोड़ा सहूलत आगे हो जाएगी और सराउंडिंग खाली कोविड पेशेंट को नहीं, नॉन कोविड को जो है ये पूरी सराउंडिंग के अंदर ये बहुत आदमी लोग को सहूलत आगे होगी। कब्रिस्तान में बहुत दिनों से गेट का वो इनाग्रेशन वो किए एक छोटा सा है और कब्रिस्तान का भी अंदर पूरा वो जो भी ये भी मौता को एक लेके आते हैं उनको बैठने का सहूलत आगे नहीं थी। हमारे बीबीएमपी कॉरपोरेटर हमारे बीके अल्ताफ खान साहब उन्होंने मिल के ये हम लोग ये बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, आदमी लोग को सहूलत आगे होगी करके बैठने का सब सहूलत आगे करके वो एक गेट बना के आज वो भी इनाग्रेशन किया। नगर पालिके ಒಟ್ಟು 11 ಚಿತಾಗಾರಗಳಿದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು 12ನೇ ಚಿತಾಗಾರ. ಸೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ 12 ಚಿತಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ 165 ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗಳನ್ನು ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಸುಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆನ್ ಆನ್ ಆವರೇಜ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು
ಪ್ರತಿದಿನ 60 ನಾನ್ ಕೋವಿಡ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ 30 ಕೋವಿಡ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿತ್ತು ಹಲವಾರು ಇಲ್ಲಿ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಫರ್ನೆಸಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆಚೆ ಕಡೆನೂ ಇದಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ 1,90,00,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಏನು ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಈ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಇದು ಶುರು ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಅನೇಕ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ